कहीं पे भी नहीं रोक पाया। भाई प्रदेश के बिना राज्यों में साहस था, शौर्य था, न था और न कुछ तो वहां थी एकता। अलक्षेंद्र के पथ पर मस्तक बिछा दिए पर राष्ट्र की वेदी पर अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। और मदक की मार और कथों की भूमि रक्त से नहा उठे और खोपड़ियों को अपने ठोकर में ठुकाता अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया। कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां कटी में ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का विरोध किया, विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। नतमस्तकों और शाटकों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलक्षेंद्र की भारत में रहते ही अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया। दुर्भाग्य ही था इस धरा का कि अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम विपौर और अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधवों के खड़ग से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे, अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा। मालव गणराज्य की भूमि शवों से पट गई थी। स्त्रियों और शिशुओं तक को यवन सैनिकों ने काट दिया पर कोई प्राच्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज्य में आज अलक्षेंद्र की करा पर हजारों स्त्रियों और शेषों में खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छली कर दिया पर उन निहत्थे निर्दोषों का अर्थनाद किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ब्रह्मस्थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अपने प्राण दे दिए पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया। वीरों की भूमि निर्दोषों के मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथाकथित स्वामी प्रत्यावर्तन कर रहे अलक्षेंद्र से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है और उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्राय विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसीलिए यदि शीघ्र इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया तो इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे? आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार है। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन। अंतर से मुख से कीर्ति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक हत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन, करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन,
से राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर अपना भवितव्य समझ कर हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन चलती अनेक घटनाएं जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं हमने अभिषेक किया था जन्मी का हरिषोण से हमने श्रृंगार किया था माता का परिमुंडों से हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन आज उस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन अब काल चक्र की गति से अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama.